बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नाज़रीन, इस्लामिक वीडियो ऑफिशियल में एक बार फिर से आपका दोस्त आपका हो सचिव अली एक नई और ज़बरदस्त वीडियो लेके आपके सामने हाजिर है। दोस्तों, मेरी बहुत सी बहनें और बहुत सी माओं ने मेरे से गुजारिश की है कि कोई वीडियो बना दें जिसमें शौहर को राय रास पे लाने का वजीफ़ा हो, या जिसमें शौहर को काबू करने का, या फिर भटके हुए शौहर को राय रास पर वापस लाने का तरीका हो। तो ये वीडियो उनके लिए है। बहुत से मैसेजेस आए हैं, बहुत से कमेंट्स आए हैं, तो फाइनली मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आएगी, तो इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा और प्रॉपर वजीफे को फॉलो कीजिएगा, वजीफे को प्रॉपर सुनिएगा, समझिएगा, ताकि आपकी मुश्किल मुकम्मल तौर पर हल हो सके। तो दोस्तों, मेरी प्यारी प्यारी बहनों, मेरे प्यारी प्यारी माओं, अगर आपका शौहर आपसे नाचाकी करता है, आपसे नाराज़ है, आपको वक्त नहीं देता, या दूसरी औरतों में फिरता है, या घर पे आकर चिड़चिड़ापन, जो कि बहनें मेरी ये वीडियो सुन रही हैं उनको अंदाज़ा हो रहा होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, कि घर में चिड़चिड़ापन, बर्तन तोड़ने और मुख्तलिफ़ किस्म की जो परेशानियाँ हैं वो पैदा करता है घर में, तो सबसे पहले तो उनको करना ये है कि घर में माहौल साफ और पाकीज़ा बनाएं। जैसे कि अगर शौहर घर से ऑफिस गया है, काम पे गया है, आता है थका हुआ है, तो कोशिश करें कि जब वो आए तो उसको घर में एक किस्म का सुकून महसूस हो। ठीक है, सुकून का मतलब घर में उसके लिए अगर रोटी पकानी है तो टाइम पे रोटी पकी हुई हो, और प्रॉपर उसके लिए हर चीज़, दूध पानी, हर चीज़ उसको टाइम पर मिले, ताकि उसका बिहेवियर नॉर्मल हो। ठीक है, इस्लाम में औरत को हुक्म दिया गया है कि वो मर्द की इज्जत करे, मर्द के लिए खाने और उसकी जो फ़र्ज़ है उनको पूरा पर अदा करे। अब इंसान में इस तरह की खुद ब खुद ही ना बेहतरी पैदा होना शुरू हो जाती है। वजीफ़ा मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। तो तमाम मेरी बहनों ने करना ये है कि उन्होंने पढ़ना है या रब्बे मूसा, या रब्बे करीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या रब्बे मूसा, या रब्बे करीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आपने कोशिश करें 100 दफ़ा पढ़ के, जब उसको उनको खाना देना तो कोई मीठी चीज़ पे ये पढ़ के फूकें। 1 महीना ये बाकायदगी से करें, इंशाल्लाह अल्लाह अपनी ख़ास रहमत करेगा, अपना ख़ास करम करेगा। मेरी हर बहन का ये मसला इंशाल्लाह हल हो जाएगा। मैंने बार बार अर्ज़ की है, वजीफ़े के साथ साथ अपने घर का माहौल इतना खूबसूरत बना लें, अपने शौहर की इतनी इज़्ज़त करें कि अल्लाह ताला उस पर जब अपनी रहमत करे तो वो उस रहमत को महसूस कर सके, और घर में इतनी पाकिजगी और मोहब्बत और प्यार देख के खुद बहुत नरम हो जाए। इसके साथ साथ मैं अपनी हर वीडियो में आपसे गुजारिश करता हूँ कि नमाज की पाबंदी करें। मेरी बहनें, आप नमाज़ पढ़ें, और हर नमाज के बाद रब्बे जलजलाल के सामने गिड़ के अपने शौहर की पाकीज़गी और अपने शौहर को राह रास पे लाने के लिए दुआ करें। बेशक जब एक इंसान, जब एक मर्द औरत अल्लाह से दुआ करता है तो अल्लाह उसको 70 दफ़ा कहता है कि मैं हाँ हूँ, मैं हूँ, और मैं तुम्हारी दुआ सुन रहा हूँ। और कोशिश करें कि घर के माहौल को बेहतर करें। अल्लाह मेरी तमाम बहनों और माओ की मुश्किलात आसान करे, और आपस में इनके दरमियान प्यार और मोहब्बत पैदा करे। सच्चे दिल से दुआ है, अल्लाह पाक आपकी मुश्किलात आसान करे। मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।